उसे अपनी पहली नजर की एनिवर्सरी याद है, ये सुनकर आप चौंकी क्यों? क्योंकि मर्दों को क्रिकेट मैच कब है और WWF कब दिखाने वाले हैं, इन दो बातों को छोड़ बहुत ज्यादा याद नहीं रहता। मैं नहीं मानती, पिछले साल रात को 12 बजे डैडी जी ने आपको एनिवर्सरी विश किया था ना। लेकिन उस दिन हमारी वेडिंग एनिवर्सरी नहीं थी, इंदु के पापा की डेथ की एनिवर्सरी थी। कोई भी एनिवर्सरी थी लेकिन उन्हें याद तो था। मोनिशा, डेट्स के मामले में मर्द जरा कमजोर हैं, ये बात मैं अगर तुम्हें प्रूव कर दूं तो वांट टू बेट? ओके। ओके, तीन अलग अलग साइजेस की डायरीज हैं एंड डिफरेंट एनवेलप्स, गिफ्ट एनवेलप्स, और ये देखो, दिस इज सो स्वीट, जस्ट अ लिटिल थैंक यू नोट और अ कार्ड। हाँ माँ, मैं बाजू वाले घर में हूँ। अच्छा, क्यों? मोनिशा, जरा सॉफ्टली प्लीज। मम्मी जी, दिली बात कर रही हो ना? ओह माय, माँ मेरी सास ने घर में कागज की सेल लगाई है। मोनिशा, हमने रिसाइकल्ड पेपर प्रोडक्ट्स का एग्जिबिशन किया है, इसे कागज की सेल कहकर के प्लीज इतना डाउन मार्केट मत बनाओ। अभी फोन रख दो तुम, मैं बाद में बात करती हूँ। मैम साहब, सारे एनवेलप खत्म हो गए। लवली, फैंटास्टिक। Oh. Paritosh, wow, how nice to see you. How are you? Very well. Okay, auntie, now give me the best writing paper. Sure, let me see, let me see, let me... this is the right thing for you. It's a Sharmila Talati design. It's beautiful. Isn't it? How much? Oh, just 950 only. Kya? 950 rupay ka writing pad? Monisha, ye khas, special cheeze likhne ke liye hai. आई मीन, अगर परितोष अपनी गर्लफ्रेंड को लव लेटर लिखेगा तो ऑर्डिनरी राइटिंग पेपर पे थोड़ी लिखेगा। राधा बाई, 950 ले लो। लेकिन मम्मी जी, 950 रुपए, मैं तो साहिल को बस की टिकट के पीछे लव लेटर लिख के देती थी। तो तुम बस की टिकट का एग्जीबिशन कर लेना बेटा। परितोष, एनीथिंग एल्स? ओह नो 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 आंटी, थैंक यू। अब कविता तो मुझे ही लिखनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली, हाउ रोमांटिक। बर्थडे है उसका? ओह नो 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 आंटी, एक्चुअली हमने एक दूसरे को जब पहली बार देखा था उस दिन की चौथी एनिवर्सरी है कल। और तुम्हें याद है? Yes. I am so charmed. Okay, bye auntie. Bye darling. Thank you. उसे मेरी तरफ से विश जरूर करना। Sure. Bye. Bye. मामी जी, उसे अपनी पहली नजर की एनिवर्सरी याद है, ये सुनकर आप चौंकी क्यों? क्योंकि मर्दों को क्रिकेट मैच कब है और WWF कब दिखाने वाले हैं, इन दो बातों को छोड़ बहुत ज्यादा याद नहीं रहता। एंड दैट्स फाइन। क्या फाइन? मुझे तो हर इम्पोर्टेंट दिन याद रहता है। हाँ, क्योंकि मर्द और औरत अलग अलग हैं, उनके दिमाग अलग तरह से काम करते हैं। मैं नहीं मानती, पिछले साल रात को 12 बजे डैडी जी ने आपको एनिवर्सरी विश किया था ना, याद करके। लेकिन उस दिन हमारी वेडिंग एनिवर्सरी नहीं थी, इंदु के पापा की डेथ की एनिवर्सरी थी। कोई भी एनिवर्सरी थी लेकिन उन्हें याद तो था। मोनिशा, डेट्स के मामले में मर्द जरा कमजोर हैं, ये बात मैं अगर तुम्हें प्रूव कर दूं तो वांट टू बेट? ओके, लग गए 10-10 की। 10? I'm impressed. Okay, अगले 7 दिनों में मैं तुम्हें ये प्रूव करके दिखा दूंगी। That's a challenge. 10,000 रुपए तैयार रखना। 10,000? मोनू, खाना तुमने बनाया? क्यों पूछ रहे हो? नहीं, अच्छा बनाया। मैं अच्छा खाना नहीं बनाती क्या? नहीं नहीं। हाँ? हाँ हाँ। हेलो। हाँ, कब का मिल गया पार्सल? एक मिनट। साहिल, आलू पालक बेटर है या दाल? दाल। दाल बेटर है, लेकिन सुनिए, होम डिलीवरी तो फ्री है ना, तो फिर आपने मुझसे 10 रुपए सर्विस चार्ज क्यों लिए? नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, परोसा तो मैंने है तो 10 रुपए मुझे मिलने चाहिए। क्यों? मोनिशा, मोनिशा, फोन रखो, मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा। कम ऑन, तुम्हें मुझे 10,000 रुपए देने पड़ेंगे साहिल। क्यों? अगले 1,000 दिनों तक रोज तुम होटल से खाना मंगवाने वाली हो? नहीं, वो ना, एक बात बताओ साहिल, मर्द और औरत एक दूसरे से अलग होते हैं? हाँ, होते हैं। कैसे? कैसे मतलब? मर्द मर्द वो मर्द होते हैं और औरतें, कम ऑन मोनिशा, अब तुम्हें ये नहीं पता कि मर्द और औरत किस तरह से अलग होते हैं? मैं उस तरह से अलग होने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं दिमाग की बात कर रही हूँ। अच्छा, दिमाग से टोटली अलग होते हैं। लुक, मर्दों के दिमाग होते हैं और औरतों के बाल लंबे होते हैं। वेरी फनी।
मजाक मत उड़ाओ ना, ये मेरे जीवन मरण का सवाल है। जानते हो मम्मी जी कह रही थी कि मर्द औरत के मुकाबले इंसेंसिटिव होते हैं, उन्हें टीवी पे क्रिकेट और स्टार वर्ल्ड पे WWF कब है ऐसी चीजों के अलावा और कुछ ज्यादा याद ही नहीं रहता। बिल्कुल गलत, मर्दों को इन सब चीजों के अलावा और भी बहुत कुछ याद होता है, जैसे कि क्यों पूछा मॉम ने ये? वो मैंने उनसे कहा ना कि तुम्हें सारे बर्थडे और एनिवर्सरीज याद रहती हैं, तो जोर जोर से हंसने लगी। और तुम्हें याद रहती है ना? हाँ, ऑफ कोर्स। हमारी वेडिंग एनिवर्सरी 20 जनवरी। हाँ, क्या आसपास 20 जनवरी? करेक्ट है। हाँ, मेरी सालगिरह 9th नवंबर। हमारी पहली मुलाकात एनिवर्सरी रविवार। कौन सा? हर रविवार। मैं भगवान से हर रविवार को थैंक यू कहता हूँ कि मुझे तुम मिले। अच्छा। I love you, Moni darling. I love you too, Sahil. हमारे प्यार के इजहार की सालगिरह। Come on, darling. अब तुम क्या क्या पूछ रही हो? मैं भी तुम्हें पूछ सकता हूँ फिर? पूछो। है? पूछो ना। पूछो। Just a minute. हमारी first kiss anniversary 5th April. तुम्हें मर्सिडीज में बिठाकर पानी पूरी खिलाने ले गया था बाबुलनाथ के यहाँ। 21st August 1999. ये डेट है एक्चुअली? हाँ। नहीं, just asking. Alright. हम दोनों सांप छींके थे और बाद में हमें केमिस्ट के शॉप में गए थे। 17 September ब्रीच कैंडी डे एंड नाइट केमिस्ट। और मर्द और औरत बिल्कुल अलग होते हैं। इस बार मैं मोनिशा से 10,000 रुपए वसूल करके रहूंगी, नींद हराम हो जाएगी बेचारी की पैसे देते हुए। आपको मजा आएगा? कैसा सवाल कर रहे हो? मोनिशा की नींद हराम होगी तो मुझे मजा आएगा? ऑफ कोर्स मुझे मजा आएगा। ओके, हमें अगले एक हफ्ते में कोई ऐसा दिन चुनना है जहां सचमुच कुछ भी ना हुआ हो। यू मीन ना कुछ अच्छा ना कुछ बुरा? ना अच्छा ना बुरा। सो लेट्स स्टार्ट 18 February। 18 February को let me see. कुछ हुआ था उस दिन? इलाफोई की मैरिज एनिवर्सरी है। ओके, सो अच्छा दिन नॉट पॉसिबल। 19 February। 19 February को 6th floor वाले अडवाणी अंकल की बर्थडे पार्टी है। अच्छा दिन नॉट पॉसिबल। 20 February। 20 February को तो साहिल भाई और भाभी की सगाई हुई थी ना। ओ, बुरा दिन, आउट। 24th। कुछ तो हुआ था मामा, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। किसी की बर्थडे है? नहीं। तो एनिवर्सरी, ग्रह प्रवेश? नहीं, कुछ डेथ एनिवर्सरी? नहीं मामा, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। 24 February को तो आपने मुझे ट्रिपल पोलियो का पहला डोज दिलवाया था मामा। ओह गॉड। लेकिन हम उसे सेलिब्रेट तो नहीं कर सकते ना बेटा। आई मीन केक पे क्या लिखेंगे? हैप्पी फर्स्ट पोलियो डोज डे। सो 24 February इज परफेक्ट। अब आएगा मजा। इंद्रवदन। हाय माया। ये पहनू या ये पहनू? कोई भी पहनो, दोनों में तुम नहीं जचती। बताओ ना कौन सी पहनू, जो तुम कहोगे सो पहनूंगी। लेकिन ये तो बताओ कि आज ओकेजन क्या है? आज नहीं, 24 तारीख को। 24 February। 24 February। वैलेंटाइंस डे। बिलेटेड वैलेंटाइंस डे। 10 दिन बिलेटेड। इन दो नाटक मत करो, जैसे कि तुम्हें पता नहीं कि 24 February को क्या है। ऑफ कोर्स मुझे पता है, लेकिन एक बार तुम कहो ना, यू नो 24 February के बारे में जब तुम कहती हो ना तो और अच्छा लगता है। यू नो तुम ऐसी बातें करोगे ना तो किसी को भी लगेगा कि तुम्हें सचमुच नहीं पता कि 24 February को क्या है। व्हाट नॉनसेंस, मुझे पता नहीं होगा कि 24 February को क्या है। एग्जैक्टली तुम्हारे तो चेहरे पे लिखा है कि 24 February को क्या है। है ना? तो मैं भी पढ़ के देख लेता हूँ क्या लिखा है। इंदु, इस साल मैं चाहती हूँ कि 24 February हमारी जिंदगी का सबसे यादगार दिन बने। ऑफ कोर्स माय स्वीटी पाई, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स। थैंक यू डार्लिंग। यू वेलकम।
हे भगवान, क्या हुआ था 24 फरवरी को? आ, इफ शी कैन डू इट सो कैन आई। हाय साहिल। हाय डैड। अच्छा ये तो बता, ये दो में से कौन सा अच्छा लगेगा? ब्लू वाला पहनिए, इसमें आप दुबले लगेंगे। बस हाँ, और क्या? क्यों पहन रहा हूँ ये नहीं जानना चाहेगा तू? डैड ऑफ कोर्स आप किसी पार्टी में जा रहे होंगे इसीलिए पूछ रहे हैं ना। अरे कोई ऐसी वैसी मामूली पार्टी नहीं, 24 फरवरी की पार्टी में पहनने वाला हूँ। वाओ, 24 फरवरी, क्या बात है। तुझे पता है ना 24 फरवरी को क्या है? नहीं साहिल, 24 फरवरी यानी तेरे माँ बाप की जिंदगी का इतना बड़ा दिन और तुझे मालूम नहीं है? I'm sorry डैड, मुझे सचमुच याद नहीं, क्या है क्या 24 फरवरी को? मुझे भी मालूम नहीं है। पर वो माया जबरदस्त तैयारी में लगी हुई है। Hold it, डैड। कल मोनिशा मुझसे बर्थडेज और एनिवर्सरीज के बारे में पूछ रही थी। अच्छा, इसका मतलब 24 फरवरी को 100% कुछ स्पेशल है। पर क्या स्पेशल है ये तो सुनो। हाय गाइस। हाय हाय डैड, 24 फरवरी को मैं आपको सिल्की टाई देना चाहता हूँ। आई लाइक दिस वन द बेस्ट, डू यू लाइक इट? से बताए। अरे ऑफ कोर्स मुन्ना, लवली टाई। और मामा को मैं अपनी लिखी हुई नई कविता देना चाहता हूँ। वो तो बेस्ट है। हाँ रोसेश बेटा, मुझे बताएगा प्लीज के 24 फरवरी को क्या है? नहीं, लेकिन मामा को जरूर बताऊंगा कि आपको याद नहीं है। देखा, मुझे मालूम था ये चमचा बता देने की धमकी देगा। तो अच्छा हुआ कि मुझे मालूम है कि 24 फरवरी को क्या है। ओह डैड, मनीषा भाभी, साहिल इस पार्ट टू से उगलवाना ही पड़ेगा कि 24 फरवरी को क्या है। ये नहीं बोलेगा डैड। अगर होश में होगा तो नहीं बोलेगा ना, अगर नशे में धुत हुआ तो। ले ले मुन्ना। नहीं मैं बाथरूम जाके आता हूँ। जाना था। डैड ये नहीं मानेगा। अरे मैं ऐसे मनवा के रहूंगा, देखना। शाले। हाँ। सोफा को पकड़ कर रखिएगा, कब से इधर उधर उधर इधर डोल रहा है। हाँ वो सोफे ने ज्यादा पी रखी है ना। इसीलिए कल सुबह तक ठीक हो जाएगा वो। तू आ बैठ बैठ, बाथरूम तो जाने। कुछ नहीं बाथरूम बाथरूम, आ बैठ बैठ जा। वेरी गुड। कुछ खाएगा? खाएगा कुछ नहीं, मामा के साथ खाऊंगा। शायर भाई। हाँ। मामा मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई नो दैट। मामा परी है, परी। और मैं राक्षस। तो मुन्ना 24 फरवरी को ये राक्षस और परी का कौन सा स्पेशल दिन है? 24 फरवरी को, 24 फरवरी को क्या? 24 फरवरी को आगे बोलना। 24 फरवरी को कुछ नहीं है। ये ऐसा नहीं मानेगा माया भगत, इसको और पिला। नहीं नहीं डैड, नहीं, I'll handle him. रोसेश, हेलो, अब बताओ 24 फरवरी को क्या है? 24 फरवरी को, actually 24 फरवरी को रोसेश, डैड सो गया। ये सो गया, मेरी पूरी बोतल खत्म करके सो गया कमबख्त। अब क्या होगा साहिल? कम ऑन सोनिया, प्लीज बताओ सोनिया 24 फरवरी को क्या है? डैड इज गेटिंग पैरानॉइड, पागल हो रहे हैं वो। कुछ आया दिमाग में? साइनस। हैप्पी साइनस डे। अरे नहीं नहीं, मेरा साइनस। यस गॉट इट। 24 फरवरी को पहला गैस कुकिंग रेंज मार्केट में आया था। अच्छा हाँ, गैस कुकिंग रेंज खोज दिन मना रहे हैं मॉम एंड डैड, है ना दुष्यंत? डोंट यू थिंक दिस इज अटर रबिश? आई मीन गैस कुकिंग रेंज का मॉम एंड डैड से क्या संबंध है? वेल, मॉम कुकिंग रेंज इस्तेमाल करती हैं। और डैड? डैड को गैस है। सी, संबंध है ही नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। फिर तो तुम्हें बोरवेल खोज दिन मनाना चाहिए, क्योंकि सोनिया को वेल का पानी अच्छा लगता है और तुम बोर हो। सो कीप क्वाइट। भैया, 24 फरवरी, मोम, मोनिशा भाभी, खींचतानी होने वाली है। अरे वो तो कोई भी तारीख को हो सकती है।
मोनिशा भाभी मोम दोनों में से किसी एक को 10,000 का तोहफा मिलने वाला है। तो क्या मोबाइल फोन 3360 वो 9800 का आता है? नहीं नहीं नहीं, पूरे 10,000। हाँ तो टोकिया 3360 कवर के साथ वो 10,000 का आता है, 200 रुपए कवर के होते हैं। साहिल भैया 24 फरवरी को कुछ डिक्लेयर होने वाला है जो अभी तक नहीं हुआ। राधा भाई। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, पेपर देना। हाँ अभी लाते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग मोनिशा। मम्मी जी। मोनिशा, इंद्रवदन को अभी तक याद नहीं आया कि आज क्या है। अच्छा वो हवा में वायरस है ना, तो अजीब सी प्रॉब्लम हो गई है याददाश्त की। नहीं मुझे भी कुछ याद नहीं रहता। 10,000 की शर्त तो याद है ना। हेलो कौन बोल रहा है? ओह इनफ मोनिशा। हेलो, आज दोपहर को 1 बजे मेरे यहाँ लंच के लिए 10,000 रुपए लेकर के आना। ओके गुड। क्या है न्यूज में? पेट्रोल प्राइस टू गो अप। मैं मेन हेडलाइंस की बात नहीं कर रही, मैं सप्लीमेंट की बात कर रही हूँ। राजन सिंघानिया'स पार्टी गोज ऑन टिल 4 AM। वाओ, हमें नहीं बुलाया उसने। निवेदिता पार्टीज आर्ट शो, मुंबई एक्स मेयर एक्सेप्ट्स पब्लिक रिक्वेस्ट, 24 फरवरी डिक्लेयर्ड नेशनल कपल्स डे। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। राधा भाई ये पेपर इंद्रवदन के हाथ में नहीं आना चाहिए। क्यों, क्या हुआ? अरे मुझे तो लगा था 24 फरवरी को कुछ भी नहीं है, अब इस मेयर ने 24 फरवरी को नेशनल कपल्स डे डिक्लेयर कर दिया है। अरे बाप रे, साहब को पता चला तो माया हैप्पी कपल्स डे ऐसा दिखावा करेंगे ना फिर। और मैं अपनी शर्त हार जाऊंगी। इस पेपर को जला दो, जस्ट जला दो इसे। हाँ पर साहब ने साहिल बाबा के यहाँ से पेपर मंगवाया तो? यस, साहिल्स पेपर। I'm getting the paper. अरे हाय मॉम, अच्छा हुआ आप मिली। ये पेपर किसने फाड़ दिया? देखिए तो। Are you all right? अब कुछ अजीब पेश आ रही है। साहिल नाश्ता बनाओ। हाँ हाँ मॉम, आप आएंगे नाश्ता करने? रात की खिचड़ी चलेगी ना नाश्ते में? सॉरी, हाँ चलेगी। ओह गॉड, made it, इंद्रवदन। हाँ 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 हाँ, आई एडमिट कि मुझे याद नहीं रहता। गुड, लेकिन अब तो बताओ कि आज यानी 24 फरवरी को क्या है? आज वो दिन है जब मैं मोनिशा से 10,000 रुपए वसूल करने वाली हूँ, क्योंकि मैं शर्त जीत गई। पेडे मोनिशा। मम्मी जी 7,500 चलेंगे? नो, 10,000। चलिए ना आपकी ना मेरी 8,500। नॉट ए पेनी मोर नॉट ए पेनी लेस मोनिशा, पूरे 10,000। चलो निकालो। अरे मोनिशा कम ऑन मोनिशा, छोड़ दो। यस यस दरंतन। बाय द वे मॉम, जरा बताएंगे आप हमें कि शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि मुझे साबित करना था कि मर्दों को स्पेशल तारीखें याद नहीं रहती। नहीं रहती तो नहीं रहती, लेकिन ये तो बताओ कि आज है क्या? कुछ नहीं। यस डार्लिंग, 24 फरवरी को कुछ नहीं हुआ है। मतलब डैड रोसेश उस दिन सच बोल रहा था? यानी शर्त जीतने के लिए तुमने मुझे बेवकूफ बनाया और मुझे कंगाल। डैडी जी आपको याद रखना चाहिए था ना कि आज कुछ भी नहीं है। याद रखूंगा मैं, अच्छी तरह याद रखूंगा मैं। How do you say? इंद्रवदन। हेलो। अच्छा हुआ ना मैंने अपनी मुलाकात की पहली एनिवर्सरी के बारे में बताया नहीं माया को। नहीं तो फंस जाता मैं हमका। किससे बात कर रहे थे तुम इंटरकॉम पर? मैं हाँ वॉचमैन से। यू मीन 24 फरवरी को तुम्हारी और वॉचमैन की पहली मुलाकात की एनिवर्सरी है? क्या कह रही हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने। ओह यस तुमने ऐसा ही कहा, डोंट लाइ इंदू। गुड नाइट इंदू। यू कौन होगी? मिसेस बिलिमोरिया 7th फ्लोर। नहीं नहीं, शी इज टू ओल्ड फॉर हिंदू।
रेवती कपूर, फिफ्थ फ्लोर, शी स्मेल्स। हेलो साहिल, अगर मर्दों को तारीखें याद नहीं रहती तो औरतें शक करना नहीं छोड़ सकती। बच गए माया के बारा। शबाना सिद्दीकी, ओह माय गॉड, वो तो डिवोर्सी भी है, थर्ड फ्लोर पे रहती। या वो गायत्री खन्ना, सेकंड फ्लोर, शी इज अ हस्बैंड स्नैचर। कौन होगी वो?